नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो बहुत हेल्प होगा, मतलब बहुत हेल्पफुल होगा आपको खुद के ऊपर स्टडी करने के लिए, खुद के रिसर्च करने के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। एज ए लर्निंग पर्पस में सारे डिटेल्स में अपडेट वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है ITC। तो ITC आप सभी जानते हैं, एक पॉपुलर FMCG कंपनी है। तो देखा जाता है तो ये कंपनी एक FMCG सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो इस कंपनी एक तंबाकू और सिगरेट बेचने वाला कंपनी है। इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यूज तंबाकू और सिगरेट बिजनेस में ही आते हैं। तो कंपनी का अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे सिगरेट का बिजनेस, साथ ही साथ FMCG, होटल्स वगैरह, साथ ही साथ पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग और एग्रो बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप 5,60,000 करोड़ तक है। ये छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। देखिए, जब कंपनी बहुत दिनों से 150 से 200 के रेंज के अंदर ही काम कर रहा था, तो बहुत सारे लोग पेशेंस को छोड़ दिए। उसको लगा कि इस कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले से ही निवेश करके रखा था, आज भी मेरे पास निवेश है, और मैं फ्यूचर के लिए भी रहूंगा। क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस इतना स्ट्रांग है, और बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिजनेस कर रहा है, तो उस कंपनी में तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर इस कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो ITC तंबाकू प्रोडक्ट मतलब सिगरेट इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। और इस कंपनी के जो पैरामीटर्स है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है। साथ ही साथ पहले आपको डेप दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के 1 रुपया भी डेप नहीं है। आपने 1 रुपया का मतलब क्या है, कोई भी डेप नहीं है। हाँ, डेप तो है, मगर जो डेप है वो कंपनी के मतलब चिल्लर भरा, मतलब चिल्लर जैसे डेप देखने को मिला है। तो चिल्लर मतलब क्या है, चिल्लर का मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कंपनी की जो डेप है वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से डेप बहुत कम है। और कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया, और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और उस हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 38% के आसपास देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छी तरीके से देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 20,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो हर साल में कंपनी, देखिए हर क्वार्टर में, हर साल में कंपनी खुद को अच्छी तरीके से प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे मेंटेन्स कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत शानदार है, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी और भी शानदार देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चाहे 3 साल में थोड़ा सा खराब है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। और कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए, 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 1 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। और उसी हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी बहुत शानदार दिखा। तो जब हर पैरामीटर्स कंपनी के मतलब फ्लेवर में है, तो उस कंपनी में डरने के कोई चांसेस ही नहीं है। उल्टा आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व 10 साल पहले चले जाएंगे तो 18,000 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वही रिजर्व आज बन चुके हैं करीबन 67,000 करोड़ के आसपास। तो 18,000 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुके हैं कितना, 67,000 करोड़ के आसपास। तो बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 300 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा देखने को मिला, और एकदम कर्जा छोटा मोटा कर्जा है, तो कोई फिक्र और चिंता करने का जरूरत नहीं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर से लेकर FISDS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो प्रोमोटर के मैं अगर ईयरली बात करूँ तो ईयरली देखिए गलती कहाँ पे हुआ कि पब्लिक ने सबसे ज्यादा होल्डिंग्स लेके बैठे हुए थे, और पब्लिक ने गलती कहाँ पे कर दिया, पब्लिक ने गलती यहाँ पे कर दिया कि जब उसको होल्ड करना चाहिए था तब उनने क्या किया, माल बेच दिया, और उसका फायदा किसने उठा लिया, इंस्टीट्यूशन FISDS दोनों ने ही उठाया। तो ये बात आपको याद रखना है कि तब हम लोगों को टिके रहना चाहिए जब इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं, जब इंस्टीट्यूशन खुद माल बेच रहा है अच्छे को। हाँ, ऐसे नहीं कि बेकार कंपनी के ऊपर ऐसे पैरामीटर्स देखेंगे तो वो बहुत बड़ा गलत हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छे कंपनी के ऊपर इस तरीके से सोचना चाहिए। बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने कुछ ट्रेड मेंशन किया था, और वो ट्रेड कुछ इस लेवल में था, वहाँ उसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे भी मैं ट्रेड मेंशन किया,
इस रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, एक धमाका हुआ था। और मैंने आपको इस हायर लेवल में ये भी मेंशन किया था कि इतनी फोमो बाइंग हो रहा है तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वो मेरे हिसाब से इस लेवल यहाँ पे जो इसका सपोर्ट बनता है उस लेवल तक जरूर आएगा। तो अभी तक तो नहीं आया, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा, उसके बाद कोई अगर ब्रेकआउट दिए तो एक बड़ा एंट्री हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई इंतजार करो, कोई भी एंट्री नहीं लिया। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना BLW। तो सोना BLW आप सभी जानते हैं, ये एक ऑटो इंसुलेटर्स कंपनी है, और इस कंपनी कम टाइम में खुद को एक अलग तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट किया। देखिए, अलग तरीके रिप्रेजेंट किया इसका मतलब है कंपनी जिस तरीके से खुद का बिजनेस को ग्रोथ किया और जिस तरीके से खुद के जो कर्जा है उसको मिटाया, साथ ही साथ इनकम को भी बढ़ाया। क्वार्टरली भी खुद के हर क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अगर मैं इस क्वार्टरली के बारे में बात करूँ, देखिए 580 करोड़ से बन चुके 700 करोड़, 750 करोड़। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जंप देखने को मिला। उसके साथ साथ एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 450 करोड़ से कंपनी के एक्सपेंस बढ़ के हो चुके 550 करोड़। तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिला। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 76 करोड़ के आसपास था वो बढ़ के हो चुके 112 करोड़। तो ये सारे पैरामीटर्स कंपनी को यही मेजर करते हैं कि कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, और इस हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ जरूर अपकमिंग कुछ ईयर्स में देखेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से एक बात मुझे अच्छा लगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। उसके साथ साथ एक साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 11% का रिटर्न। आपको लग रहा है कम? बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि अगर FD करने के लिए जाएंगे तो 5.5-6% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, और वो भी कोई फिक्स नहीं है, हर साल चेंज होता रहता है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस शीट में कंपनी लगातार रिजर्व को बढ़ाते गया और एक बोरिंग्स को कम किया, उस हिसाब से कंपनी का लाइबिलिटीज भी बढ़ गया। और कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फिक्स एसेट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होता गया। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, फेब्रवरी मंथ और मार्च मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, अप्रैल मंथ में छोटा मोटा बाइंग किया, मई मंथ, जून मंथ और जुलाई मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किया। अभी सेल ऑफ हुआ है कहाँ पे आपको मिलेगा, चलो मैं आपको दिखा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, सेल ऑफ मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि बिग क्रैश होगा, सेल ऑफ मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मई, जून, जुलाई, ये लास्ट कुछ मंथ्स में यहाँ पे क्या किया गया, सेल ऑफ किया गया। और सेल ऑफ होने के बाद भी कंपनी एक ही जगह पे टिके हुए है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पहले भी आपको मेंशन किया हो कि कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहा है, इस लेवल के बाद कोई ब्रेकआउट होगा तो मैं एंटी फिर से यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो एंटी यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, तो कन्फर्मेशन तो यहाँ पे मिलने का इंतजार करूंगा। यहाँ पे कोई इस कैंडल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे तो मेरा एंटी लेवल बन जाएगा। तो एंटी लेवल बन जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद क्या बना, एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है, और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस पैटर्न्स को जब मतलब मेजर करने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है, टारगेट कहाँ पे था आप देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट बन रहा है करीबन 34% के आसपास, ऑलमोस्ट टारगेट बनेगा 812 रुपीज़ के आसपास। तो इसके लिए मैं इंतजार करूँगा, क्योंकि यही इसका टॉप लेवल्स है, यही इसका लाइफ टाइम हाई है। तो मेरे हिसाब से इस टारगेट इजीली अचीव शुरू करेगा, और यहाँ पे अगर एक साल में भी टारगेट दिया ना तो भी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि 34% एक साल में मिलेगा, इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है UPL। देखिए, UPL एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का लीडर कंपनी था, आज UPL इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, सॉरी फार्मास्यूटिकल बोल दिया, माफी चाहता हूँ, एक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज का एक लीडिंग कंपनी था, आज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स कंपनी बन चुका है। देखिए, कंपनी सिर्फ एग्रोकेमिकल्स के ऊपर काम करता तो आज सेकेंड पोजिशन में नहीं जाता, कंपनी साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो आज टोटली इंडियन में जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस करने वाला कंपनीज है, प्रोडक्शन करने वाला कंपनीज है, उस सारे कंपनीज का हालत खराब हो गया। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का हालत खराब होने के पीछे यही कारण है कि कंपनीज लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि उसका मार्केट का डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो कम होता गया। अभी देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 44,300 करोड़, और कंपनी का पी रिशू 16 के आसपास है, ROC ROE देखा जाए तो अच्छा खासा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी के डेप्ट भी कम है और एनुअली इनकम अच्छा खासा कंपनी कर रहा है। तो कंपनी के जो आपको कुछ पॉइंट्स ठीक ठाक लगेगा, कंपनी देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी में खराब नहीं कहूंगा, कंपनी का आज पूरे का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, तो इसीलिए इस कंपनी का भी थोड़ा सा प्रॉफिट में कम देखने को मिला, प्रॉफिट इंक्रीजिंग कम देखने को मिला। जैसे सेल्स देखिए कम हो गया, और सेल्स कम होने के पीछे कोई एग्रोकेमिकल्स का हाथ नहीं है, सेल्स कम होने के पीछे स्पेशलिटी केमिकल्स का हाथ है, स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम हुआ तो इसलिए इसका भी डिमांड कम हुआ। साथ ही साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 1000 करोड़ से कंपनी इस बार से 100 करोड़ तक प्रॉफिट किया। तो किस तरीके से कंपनी का डाउन साइड देखने को मिला है आप सोचिए। तो ये सारे के सारे प्रॉफिट डाउन होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो बाकी इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे जब उस सेक्टर का ग्रोथ होगा, तो सारे के सारे कंपनीज खड़ा हो पाएंगे, ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो रिजर्व देखिए किस तरीके से लगातार इंक्रीज हुआ, उस तरीके से कंपनी कर्जा भी लेना स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया, कर्जा लिया गया लॉन्ग टर्म के लिए, इसका मतलब कंपनी के कुछ लॉन्ग टर्म के लिए थिंकिंग है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर रखा है, तो इसीलिए मैनेजमेंट टीम ने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया। शॉर्ट टर्म में देखिए छोटा मोटा कर्जा है, वो कभी भी चुकता कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी देखिए 2800 करोड़ के आसपास पैसे को क्या क्या फंसा के रखा। फंसा के रखा का मतलब क्या है, कंपनी देखा जाए तो इस पैसे को प्रोसेसिंग में लगा है, प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा कंपनी के फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। तो इस कंपनी के जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से बात करूँ, देखिए लोग गलती कहाँ पे करते हैं, कंपनी अच्छा होने के बाद भी उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलते हैं उस अपॉर्चुनिटी को वो नहीं उठाते हैं। जैसे देखिए इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, लास्ट कुछ मंथ से सेल ऑफ किया गया, जैसे फेब्रवरी मार्च अप्रैल में, उसके बाद मई जून जुलाई, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। तो जब बाइंग किया गया तो उस हिसाब से चार्ट भी जो बना, तो आप देखेंगे तो चार्ट किस तरीके से बना है, यूपीएल में देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया गया और वही लेवल्स में वो बाई करना स्टार्ट किया गया है। तो आप देखेंगे तो वही लेवल में बाई करना स्टार्ट करेंगे जो लेवल प्रीवियस इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और बड़ा धमाका किया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आया और फिर से इस लेवल तक जाने के लिए तैयार होंगे। अगर करंट प्राइस से इस कंपनी का इस रेंज तक मैं मार्किंग करूँ तो 21% का गेन यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो कभी नहीं होता, मेरा काम है आपको सिखाना समझाना, बाकी आप समझ के काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम है आप देखेंगे तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी ने बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट करने के पीछे कारण है कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, और इस रिटर्न के बाद कंपनी पहले तो उस बोनस दिया था, उसके बाद अभी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, तो एक के बदले 2 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि इसका 10 में 10 का फेस वैल्यू होगा होगा 5 5 का फेस वैल्यू। तो मेरे हिसाब से इस सारे कंपनी को बस स्टडी करके ही काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।